सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे BCCLE के रिगार्डिंग जो भी अपडेट हैं वो तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ अगर आप बीटेक करने जा रहे हो तो सेमेस्टर के दौरान भी जो भी अपडेट आपको आती है वो भी दिया जाता है। तो अभी ये सेमेस्टर और जो लोग भी बीटेक करने अभी जा रहे हैं, जो कि लेटरल इंट्री से अभी एडमिशन लेने वाले हैं, जिनका काउंसलिंग अभी चल रहा है, उनके लिए भी ये न्यूज़ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और सभी लोगों के साथ शेयर वगैरह भी ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहा होगा कि ये 14/9/2022 का यहाँ पर डेट मेंशन किया गया, पटना दिनांक के नाम से यहाँ पर चीज लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर सीरियल नंबर भी इसका देख सकते हो। और साथ में आपको दिखा दूँ कि यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये चीज़ जारी किया गया है, ठीक है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान बिहार, मतलब कि जितने भी बीटेक कॉलेज हैं जो कि आपके AKU के अंतर्गत आते हैं वो सभी कॉलेज, साथ ही साथ जो कि SBT के तरफ से कॉलेज आते हैं जो पॉलिटेक्निक कराते हैं, ठीक ना, उन सभी के लिए ये नोटिस है। और क्या है नोटिस, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि सभी छात्र छात्राओं को उपस्थिति जो है कि दर्ज करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ लिखा है कि बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में BBAS बोलते हैं, ठीक ना, बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। यानी इसका मतलब ये है कि अब आपको क्लास जो है ना कि वो रेगुलर करने पड़ेंगे, 75% अटेंडेंस मार्क्स कराना, आपका दर्ज कराना बहुत ज़रूरी हो गया। इसको नोटिस को आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं ओवरव्यू थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। तो देखिए यहाँ पे आपको एक राज्य सरकार जो कि बिहार सरकार है उसके अंतर्गत एक निर्णय लिया गया था। उस निर्णय में सभी कॉलेज, जितने भी बिहार के 38 कॉलेज है, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है कि आपको सभी डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 1 आपका इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था। और इसी के तहत जो है कि ये चीज़ अभी पूरा कर लिया गया है, मतलब कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो एक आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक आपका इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। तो उसी को ये बता रहे हैं कि एक निर्णय के अनुसार सब जो भी है वो 38 जो भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एटलीस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक बीटेक कॉलेज होना चाहिए था, जो कि सुनिश्चित कर लिया गया। और उनको अच्छा से यूटिलाइज करने के लिए, उनके अच्छी से अच्छी मतलब कि तकनीक का उपयोग करते हुए सभी कॉलेज को खोला गया था। और इसका अभी जो है कि यूज नहीं हो पा रहा था और उनका जो मतलब परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रहा था, तो उनको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि उनको अब 75% अटेंडेंस जो है वो कॉलेज में दर्ज कराना, मतलब कि क्लास करना नेसेसरी कर दिया गया है। ये आज ही का नोटिस है, आप पूरा पढ़ोगे तो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसको पूरा नोटिस आप पढ़ना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ पोस्ट हो जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, ये अपडेट आपको देना था। तो मुझे आई होप कि आपको अपडेट से रूबरू आप हो चुके होंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपका लगेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 75% अटेंडेंस, मतलब 75% कम से कम उपस्थिति वाले छात्राओं के लिए, ठीक ना, के लिए संबंध में ये चीज़ को नोटिस निकाला गया है। मतलब अब उनसे जो है कि अनुरोध किया जाएगा कि वो 75% अपना अटेंडेंस जो कि प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेज में और जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनमें अपना अटेंडेंस लगाएं और वो कम से कम कॉलेज वगैरह आएँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कम्प्लीट, जो मैंने आपको बता दिए हैं जो कि नोटिस के थ्रू यहाँ पर लिखा हुआ था। बट अब एक चीज़ मैं आपको उससे बात करना चाहता हूँ एक मिनट के लिए, ठीक ना। अब बताओ यार, 75% आपको अटेंडेंस ज़रूरी है। अब जितने लोग भी अटेंडेंस लगाएंगे उनका फॉर्म भरा जाएगा, उनका एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्या अगर 75% जो लोग नहीं अटेंडेंस को फुलफिल करेंगे उनका क्या होगा एक्चुअल में। तो मैं फाइनली मैं आपको बता दूं कि ऐसा अगर रियलिटी में देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये करना काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। 75% अटेंडेंस वगैरह भी करना, कॉलेज वगैरह भी करना बहुत अच्छा तरीका है, अच्छा इफेक्टिव वे है और होना भी चाहिए था। बट क्या ये रियलिटी में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये डिपेंड करता है सभी उन फैकल्टी मेंबर जितने भी
पॉलिटेक्निक कॉलेज हुए, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, उन सभी में जो भी लोग टीचिंग का काम करते हैं, जो भी प्रोफेसर हो गए आपका, वो लोग पढ़ाते हैं उन लोगों का, और ख़ास करके जो लोग स्टूडेंट होते हैं उन लोगों पे, ये दोनों लोगों पे एक्चुअली में ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर प्रोफेसर ढंग से पढ़ाएगा तो स्टूडेंट भी ज़रूर जाएगा, अगर स्टूडेंट जाएगा तो प्रोफेसर को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है और म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंड है। तो हम दोनों को मिल करके इस चीज़ को, मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक डिसबैलेंस होगा तो शायद ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा। बाकी अगर बात करें हम लोग कि एक्चुअल में अब का सिनेरियो क्या है, एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है, तो भाई मैं सिंपल बता दूँ, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो और मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर 75% अटेंडेंस की बात करें ना, मेरे खुद का मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर कहीं भी 100 बच्चा है ना, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का, कहीं का बच्चा हो, अगर 100 स्टूडेंट है तो क्लास करने वालों की संख्या मात्र 15, 16, 20 इससे ज़्यादा नहीं होती है आउट ऑफ 100। अभी आप निकाल के देखना कि 100 का ये कितना परसेंट होगा, 20% होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। खूब जाता है ना बच्चा, तो मैं बता रहा हूँ कि 30% बच्चा क्लास जाता है, बाकी 70% लोग क्लास नहीं ही जाते हैं। तो जो लोग क्लास नहीं जाते थे उनके लिए एक नोटिस है, आप इसको ध्यान में रख करके अपना जो भी होगा आप एडजस्ट कर लेना। बाकी अगर बात करें कि क्या हम अटेंडेंस नहीं करेंगे तो क्या मुझे फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, मुझे एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि ऐसा जनरली होता नहीं होगा, जनरली नहीं होता होगा। बाकी आगे क्या होने वाला रहेगा ये भी मुझे नहीं पता है खास करके, बट अभी ये जो नोटिस आया था वो मैं अपडेट कर दिया हूँ। आई होप कि आपको जो भी आइडिया वो लग चुका होगा। बाकी सभी कॉलेज में क्लास वगैरह करना उतना मैंडेटरी भी नहीं रखा गया था अभी तक, बट अभी के नोटिस के अनुसार शायद ये कॉलेज वाले जो है वो मैंडेटरी करें या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करें, तो उसके लिए आप लोग सतर्क रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो ये अपडेट थी मैंने जो आपको दिए हैं, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ।